नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स को हम लोगों को बाय या सेल करना है, कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा क्या सिनेरियो रह सकता है। सो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है रेमिट। रेमिट पे आप लोग जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब इसने क्या पर्टिकुलर एक पैटर्न जो ड्रॉ करा है आपको मैं दिखा देता हूं। या एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि ये एक राउंडिंग बॉटम था। राउंडिंग बॉटम के बाद हमने देखा एक छोटा सा इसने एक हैंडल बनाया और हैंडल का ये ब्रेकआउट कल दे सकता है। ये अराउंड जो ये लेवल आ रहा है ये आ रहा है 280.5 के आसपास का है। सो इसके ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर आज ही दे देता तो भी अच्छा होता, बट अगर ये कल इसके ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ये जैसे ही निकलता है इस 280.5 के ऊपर, जैसे ही ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो भी लेवल्स होंगे टारगेट और स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और आप वरना सीधा टेलीग्राम पे सर्च बटन पर जाके सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल का नाम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ब्लू कलर का हमारा लोगो है, मल्टीपल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों ने चैनल बना लिए हैं, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का होगा, ब्लू कलर का लोगो होगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर एक पहला स्टॉक था। सेकंड स्टॉक जो आता है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले अपने एक वीकली वीडियो पे भी प्रोवाइड करवाया था, मैंने आप लोगों को बोला था 325 या 326 के ऊपर बाय करना। अब ये लेवल आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल चैनल था, इसका ब्रेकआउट हुआ था, तब हमने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए वीकली बेसिस पे, और मैंने आपको कहा था इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, आप लोग बाय बना सकते हैं, बट इस वाली टाइम पे उसने क्लोजिंग नहीं दी थी। उसके बाद नीचे आया, दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट करा और अब दोबारा ऊपर गया, और आज इसने इस पर्टिकुलर रेंज को भी ब्रेक कर गया और अपने हाई को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर चुका है। सो एक बेस्ट लेवल बनता है, कल अगर 1-2 रुपए की डिप मिलती है तो उस पर बाय बना सकते हैं, और जो लोग अभी तक पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं वो बैठ सकते हैं, या फिर अपनी फ्रेश बाय पोजीशन एक डिप मिलती है तो बाय बना सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, तो जो भी इंट्राडे के टारगेट्स होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम के थ्रू। नेक्स्ट आता है कॉन्कोर। या तो कॉन्कोर पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव रिजल्ट आया था, उसकी वजह से हमने एक शार्प फॉल देखी थी जो कि एक अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट से ज़्यादा की थी। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं एक रिकवरी आ रही है, जो ये पर्टिकुलर एक शार्प फॉल के बाद जो हमने 2 कैंडल्स देखी उसको पूरा कवर कर चुका है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर चुका है, अब एक दोबारा उसने एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई है। अब कल दोबारा अगर इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है 394.5 के ऊपर तो एक अच्छी खासी मोमेंटम बाइंग दोबारा इसमें आ सकती है। एक शार्प मोमेंटम आया, 35 रुपए की एक रैली आई थी, 35 पॉइंट्स की रैली आई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक हॉल्ट देखा है, सो एक दोबारा बाइंग आ सकती है अबव 394.5, सो इस पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी एक सेल कैंडिडेट है, ठीक है, सेल कैंडिडेट इसलिए है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आप मल्टीपल बार हॉल्ट कर रहा है, मल्टीपल बार एक रेंज के अंदर जा चुका है, अप्रॉक्स 6 डेज तक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इस लेवल के अगर नीचे निकलता है, इस पर्टिकुलर लेवल है जो कि 4485 है, इसकी नीचे अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो हम लोग 30 पॉइंट्स तक की भी एक डाउन साइड देख सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि इसका जो रैली स्टार्ट हुई थी उसका लेवल है, सो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल तक आ सकता है, बट हम लोग इंट्राडे में लेस प्रॉफिट के लिए ही जाएंगे, सो आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। लास्ट आता है आयोनॉक्स, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो में भी है, प्लस PVR भी है, और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रखा है, आज इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा था, चैनल का आज इसने ब्रेकआउट दे दिया। सेकेंड जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहाँ से एक शार्प फॉल आई थी उसका भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे चुका है। 280 एक अच्छा से लेवल है, इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है, तो हम लोग इस पर भी बाइंग बना सकते हैं। लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे सुबह 8:30 के अराउंड प्रोवाइड हो जाते हैं, 8:30 AM के आसपास, तब आप लोग अपना इस पर ट्रेड वॉचलिस्ट पे ऐड कर सकते हैं और अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं जनरली यही कहूंगा कि आप लोगों को अगर मैं बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूं तो उन स्टॉक्स को 9:15 पे जब मार्केट ओपन होती है 9:15 पे तो देखो, अगर उसका ओपन और लो सेम है और मैं आप लोगों को बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूं तो बहुत अच्छे से आप लोग बाय बना सकते हैं। बट अगर मैं आप लोगों को कोई शेयर बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूं और उसका ओपन और हाई सेम है तो आप लोग बाय मत इनिशिएट करा करिए, ठीक है। थोड़ी एनालिसिस आप लोग भी करिए क्योंकि पैसा इवेंचुअली आप लोगों का ही लग रहा है। सो अब आते हैं सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कल आप लोग इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है जो कि 11,400 है तो आप अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ग्रीन कैंडल पे। बट इसने कैंडल एक रेड बनाई है ऊपर, जिस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है क्लोजिंग इसने 11,400 के ऊपर ही दिया, इवेंचुअली 11,400 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो इफ दिस लेवल सस्टेन्स टुमारो सो वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर लेवल, बट इफ दिस लेवल ब्रेक, सी यू कैन सी इट हियर, आई विल शो यू, सी दिस पर्टिकुलर लेवल हैज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो। सो इफ दिस लेवल ब्रेक, if 11,380 level breaks, so we can see a fall. It's a basically intraday fall, then we can see a recovery also in intraday also. So कल अगर इस पर एक सेलिंग आती है सो हम लोग एक बॉटम पे बाय करने के बारे में सोचेंगे, बट अगर इसका हाई जो था अगर हाई ब्रेक होता है तभी हम लोग एक बाय के लिए सोचेंगे, ठीक है। सेल नहीं करना है हम लोगों को, बाय करना है अगर इवेंचुअली प्रीवियस हाई जो आज का हाई है वो ब्रेक हो, या फिर कल अगर नीचे जाता है तो इवेंचुअली हम लोग सेकेंड हाफ पे बाय करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी हॉल्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। या बैंक निफ्टी का भी एक लेवल है, ये लेवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों को कल भी ये लेवल बताया था। या ये लेवल है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये देखिए अपर साइड में तो एक ये रेजिस्टेंस है, एक लोअर साइड में ये एक चैनल के अंदर बैंक निफ्टी काम कर रहा है, यहाँ पर हॉल्ट कर चुका है। सो ये लेवल निकलना इंपॉर्टेंट है जो कि 22,330 के आसपास का लेवल है। ये लेवल ऊपर की तरफ निकलता है, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है ऊपर की तरफ तो हम लोग एक बाय मोमेंटम बना सकते हैं, बट अगर नीचे जाता है तो एक डिप के लिए हम लोग बाय के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और अगर आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस मैं देख रहा था कि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए और मेल भी आए, और हम लोग जो क्वेरी सेशन लेते थे उस पर भी आया कि क्वेश्चन ये था कि सर आपके पास ज्वाइन बटन है। हाँ मेरे पास ज्वाइन बटन है, बट मैंने उसे अभी तक अपने यूट्यूब पे अप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया, मैं उस पर आप लोगों को क्या ऐसे फीचर्स दूंगा। सो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं आप लोगों को लाइव मार्केट पे कॉल्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि वो हमारी अलग से एडवाइजरी है और जिन लोगों को हम लोग दे रहे हैं उनके साथ वो एक नाइंसाफी एक तरीके की होगी। सो वो मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करवा सकता। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई फीचर्स चाहते हैं, अगर आप लोग कोई मदद चाहते हैं जो हम लेकर आ सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे बता सकते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो मैं आप लोग रिकमेंड करते हैं। अगर आप लोग बहुत सारे यूट्यूब्स भी चलाते होंगे, यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे स्टॉक मार्केट के, और उनके पास भी बहुत सारे ज्वाइन बटन्स होंगे हर यूट्यूब के पास, अगर उन पे से आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोवाइड करवा सकता हूं तो ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि ज्वाइन बटन का कोई नेसेसरी है। मैं सारा कुछ यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पोर्टफोलियो के लिए अलग से कुछ पर्टिकुलर वीडियोस भी अलग से बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो पे ज्यादातर आप लोगों को उस पे समझ में नहीं आया, तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं या मैं फिर डेली कोई एक स्टॉक की एनालिसिस भी करूं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप लोग 500 लाइक से ऊपर लेकर आते हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर भी काम करना शुरू कर दूंगा। सो जो मैंने आप लोगों से आज क्वेरीज पूछी हैं अगर आप लोगों की थी वो आप लोग मुझे नीचे अपने आंसर्स दे सकते हैं और मैं उस पर ज़रूर गौर करूंगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।